आपकी टांकों में जो है इन्फेक्शन फैल सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, यानी कि आपकी जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन से हुई है, सिजेरियन हुई है, तो उस केस में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको कि आपको फॉलो करना ही करना है। क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं कर रखते हैं और अगर ऐसी कोई गलती कर देते हैं तो उसकी वजह से आपको कोई ना कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, मैं फैमिली मेम्बर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और उनसे कहना चाहूँगी कि देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जिनकी भी डिलीवरी होती है उनका सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो आप ही होते हैं और आप ही उनकी केयर करेंगे, तो उनकी जो है जो रिकवरी है बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। और इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो बहुत ही जल्दी से जो है जल्दी सही हो जाएंगी और बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगी और बिल्कुल आपका सपोर्ट करेंगी जैसे कि वो पहले करती थी। तो आपका ही सपोर्टिंग हैंड होने वाली है, आपको ही उनकी केयर करनी है, आपको ही उनका ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जिनको आपको नहीं करना है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डिलीवरी होती है, जैसे डिलीवरी हुई 3 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं या मैक्सिमम 5 या 7 दिन तक रहते हैं, उसके बाद क्या होता है घर पे आ जाते हैं, उसके बाद जो हमें ख्याल रखना होता है वो खुद से रखना होता है। अब शुरू में तो हमें रहता है कि ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा सा क्योर रहें, लेकिन जैसे ही 5, 7, 10 दिन बीत जाते हैं उसके बाद जो है थोड़ा सा लापरवाही जो है हो जाती है कहीं ना कहीं, तो उस केस में जो टांके होते हैं उनमें कई बार ऐसा पाया गया है कि उनमें संक्रमण पैदा हो जाता है, यानी कि टांके जो हैं किसी तरीके से पक जाते हैं या सूजन आ जाती है या फिर उनमें ब्लीडिंग हो जाती है या उनमें छोटे छोटे दाने से भी हो जाते हैं जब हम किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं या गलती करते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है टांके वाली जगह पे या फिर योनि में किसी तरीके की सूजन या दाने होना दिखाई देना और या फिर ब्लीडिंग का होना, चाहे वो आपके टांके वाली जगह पे है और चाहे वो आपके योनि की जगह पे है, दोनों ही केस में अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो बेझिझक जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। दूसरी बात माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको अपने आप को सर्दी जुखाम बुखार से बचा के रखना है, यानी कि अगर आसपास, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है और आसपास किसी को सर्दी जुखाम हो रखा है या बुखार हो रखा है तो आप उनसे एक दूरी बना के रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को सर्दी जुकाम बुखार से बचाइए। ठंडे पानी में हाथ मत डालिए, ठंडा पानी मत पीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो इससे आपकी रिकवरी डिले होती है और अगर आपको खांसी होती है तो जिस टाइम पे आप खांसते हैं, यानी कि जैसे हमने खांसा उस टाइम पे हमारा जो पेट है, यानी कि जहाँ पे सी सेक्शन हुआ है, जहाँ पे जो एरिया ऑपरेट हुआ है वहाँ पे जो है जोर पड़ता है, तो उसकी वजह से जैसे ही हम खांसते हैं, जैसे खांस रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जोर पड़ रहा है और उसकी वजह से टांके हिल सकते हैं, टांके टूट सकते हैं, टांके पक सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आप को अच्छे से बचा के रखें और सर्दी खांसी जो है ना होने दें। तीसरी बात माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ करने के बाद भी, केयर रखने के बाद भी अगर आपको खांसी हो जाती है बाई चांस, तो जब भी आप खांसें तो उस टाइम पे अपने जो हिस्सा है जहाँ पे आपका ऑपरेशन हुआ है उस पर ऐसे हाथ रख लें दोनों हाथों से, फिर आप खांसें जब भी आपको खांसी आ रही है, क्योंकि उस हिस्से पे आपको जोर नहीं पड़ने देना और कोशिश करनी है कि खांसी जो है बहुत आराम से ली जाए, बहुत तेज की नहीं ली जाए। हालांकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप ऐसा कर सकते हैं और हाथ रख सकते हैं। चौथी बात माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको ध्यान रखनी है, आपको
जब भी कुछ खाना है तो खाते टाइम शुरुआती टाइम में आपको एक ऐसी हेल्दी डाइट लेनी है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जैसे कि आपको मैदा से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, आपको बहुत ज़्यादा तेल मसाले नहीं खाने हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जैसे कि जंक फूड है। इनसे क्या होता है, इनसे जो है आपकी रिकवरी डिले हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ऑपरेशन है वो पेट का हुआ है और हमारा पेट इतनी जल्दी इन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो जो चीज़ें बहुत इजीली डाइजेस्ट होती हैं, जिनकी की लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिनमें कि से पेय पदार्थ होते हैं, आप उस तरीके की चीज़ें ज़्यादा लें जिससे कि आपकी रिकवरी फास्ट हो और आप एक हेल्दी जो है लाइफ स्टाइल दोबारे से जी सकें। नेक्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है, आपको कोई भी भारी सामान को नहीं उठाना है गलती से भी शुरुआती दिनों में, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है और आपके टांकों पे जोर पड़ सकता है। तो आपको शुरुआत में ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आपके टांकों पर जोर पड़े, क्योंकि उसके जोर पड़ने की वजह से आपको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से टांकों में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, क्योंकि आप ज़्यादा सीढ़ियाँ अगर चढ़ते हैं या फिर आप बहुत जल्दी सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको थकान महसूस हो सकती है और आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। सीढ़ियाँ कब से चढ़नी चाहिए, कितनी चढ़नी चाहिए, क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर आपको मजबूरन सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं जो सी सेक्शन के बाद की केयर के बारे में बना रखी हैं और जो न्यूबॉर्न बेबी की केयर है उससे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देखते रहें। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ। देखिए माय डियर फ्रेंड्स आपको और क्या ध्यान रखना है कि आपको जो है देर तक नहीं नहाना है, आपको जो है अगर आप ज़्यादा देर तक नहाते हैं या फिर आप ऐसी कोई गलती करते हैं नहाते टाइम पे तो उसकी वजह से आपके टांकों में जो है इन्फेक्शन फैल सकता है। नहाने के ऊपर जो है सी सेक्शन के बाद मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डिटेल देख सकते हैं कि आपको कैसे नहाना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कब से नहाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो है रिलेशन जल्दी से जल्दी नहीं बनाना है, कम से कम आपको 2 महीने तक का वेट करना है, उसके बाद ही आपको रिलेशन बनाना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके गर्भाशय में दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी रिलेशन नहीं बनाना है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो देख सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे 10 ऐसी बातें बताई जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अपनी रिकवरी को फास्ट करने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा इन वीडियो का बनाने का एक ही पर्पस होता है कि आप और आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे। सो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।